बुंदेलखंड को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH34 है। ये सागर से कानपुर होते हुए लखनऊ राजधानी से जोड़ता है। हमीरपुर में ये यमुना नदी पर बना हुआ यमुना ब्रिज है, जो कि ओवरलोडिंग की वजह से 7 बार टूट चुका है और 8वीं बार इसमें दरारें आई थी। दरारों को लेकर यहाँ पे ओवरलोडिंग रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट द्वारा यहाँ पे अधिनियम 2002 के तहत 28 के तहत यहाँ पे एक अधिनियम लागू किया गया, तो यहाँ पे ओवरलोड गाड़ियाँ नहीं क्रॉस करेंगी। यहाँ पे प्रशासन की टीमें बनाई गई रोकने के लिए, लेकिन बराबर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ओवरलोड गाड़ियाँ बराबर निकल रही हैं। यदि टीमों की बात की जाए तो राजस्व, खनिज और परिवहन विभाग की टीमें 24 घंटे जांच की लगाई गई हैं। जो ओवरलोड गाड़ियाँ निकलती हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, लेकिन बात देखने वाली है कि इसके पहले प्रशासन ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, प्रशासन ने गाड़ियों को चलान क्यों नहीं किए, ओवरलोडिंग पर लगान क्यों नहीं लगाई। भीषण उमस भरी गर्मी में केस्को की अघोषित बिजली कटौती से कानपुर के शहरवासियों की रात की नींदें उचाट हैं तथा दिन भी बेचैनी से ही कट रहे हैं। एसी, फ्रिज, टीवी सब शोपीस बने हुए हैं और इन्वर्टर भी जवाब दे रहे हैं। बिजली की कटौती के कारण पानी की समस्या भी एक विकराल रूप धारण करती चली जा रही है। पिछले एक पखवाड़े से केस्को की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। हालात ये हैं कि 24 घंटे में 25,000 फ़ोन कॉल्स केस्को में बिजली की शिकायत के लिए गए हैं, यानी औसतन एक घंटे में 1,000 से भी ज़्यादा फ़ोन कॉल सिर्फ बिजली की शिकायत के लिए गए हैं। वहीं केस्को के ट्विटर हैंडल पे भी 1,000 से ज़्यादा ट्वीट्स होते हैं, जिसमें कि ऊर्जा मंत्री तथा मुख्यमंत्री जी मुख्य रूप से टैग किए जाते हैं। देखने वाली बात यह है कि जन प्रतिनिधियों की भी सुनवाई केस्को में नहीं हो रही है तथा केस्को का दावा है कि मांग बढ़ने के कारण ये समस्याएं आ रही हैं तथा अगले हफ्ते तक इन समस्याओं पर पार पा लिया जाएगा। यूपी बोर्ड के नए पाठ्यक्रम में बताया जा रहा है कि बड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें अब वीर सावरकर को भी उनके जीवनी को शामिल कर दिया गया है। आपको बता दूं कि 9 से 12 के पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है, जिसमें वीर सावरकर के समेत 50 महापुरुषों को शामिल किया गया है, जिसमें महात्मा गांधी समेत साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद और स्वामी विवेकानंद के साथ और भी कई महापुरुषों का नाम शामिल है। लेकिन खासतौर पर देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वीर सावरकर को लेकर गर्मा गई है, क्योंकि वीर सावरकर को लेकर व्यापी जिला कहे जाने वाले रायबरेली की सड़कों की हालत क्या है, दुर्दशा क्या है, ये लगातार जनता टीवी अब खबरों के माध्यम से दिखा रहा है। ऐसा ही एक मामला आज जहानाबाद पुलिस चौकी के करीब समीप स्थित एक फ्लाईओवर का है, जो फ्लाईओवर लगभग 10 से 12 साल पहले बना हुआ है। इस फ्लाईओवर की स्थिति ये है कि इसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं, लोगों का आवागमन इस पे कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा रहता है, इस कारण भी लोग यहाँ पर दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। और ख़ास बात ये देखने को मिलती है कि ये जो फ्लाईओवर है ये मेन लखनऊ प्रयागराज हाईवे को जोड़ने का भी काम करता है, इस पर भारी वाहन भी कभी कभार निकलते दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में जब वाहन एक दूसरे को पास करते हैं तो जो जोड़ है पुल का वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से खुलता दिखाई पड़ता है, और इतने बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण कई बार गाड़ियाँ उसके अंदर गिर जाती हैं और दुर्घटना हो जाती है, लोग चोटिल भी हो जाते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े हादसे भी हो जाते हैं। बावजूद इसके आज तक संबंधित विभाग या अधिकारी इसके तरफ सुध नहीं लिए, और जबकि जनप्रतिनिधि लगातार रायबरेली के दौरे पर है, इन्होंने भी इस ओर ध्यान भी आकर्षित बिल्कुल नहीं किया। अब ऐसे में देखने वाला विषय होगा कि क्या ये किसी बड़े हादसे का प्रशासन या विभाग इंतजार कर रहा है, ये देखने वाली बात होगी। गाजीपुर पुलिस ने टॉप 10 अपराधी अमित राय को गिरफ्तार किया, कर उसके पास से चोरी की रिवॉल्वर बरामद किया है। अमित राय के खिलाफ विभिन्न थानों में 27 मुकदमे दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद अपराधी अमित राय ग्रामीणों ने जमकर करीमगंज थाने पर हंगामा काटा। पुलिस ने 7 नामजद और 150 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। अमेठी सुल्तानपुर जिला कारागार में 2 बंदियों की संदिग्ध अवस्था में मौत के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि परिजनों ने पूरे मामले की CBI से जांच कराने की मांग की है, साथ ही साथ 50 लाख मुआवजा देने की ही बात रखी है। परिजनों ने SP कार्यालय पर पहुंचकर लगाए हैं जेल अधीक्षक मुर्दाबाद के नारे। SP कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को सौंपा है ज्ञापन।
हत्या के आरोप में सुल्तानपुर जिला कारागार में बंद थे दोनों कैदी। अमेठी जनपद के जामो थाना क्षेत्र के लोरिकपुर गांव के निवासी थे दोनों कैदी। फिलहाल अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौ पालकों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है जो बाहरी राज्यों से जो ज्यादा नस्ल की दो गाय है उनको कोई पालेगा तो 40% की अनुदान देगी सरकार, और लेकिन स्वदेशी जो गाय हैं उनको पालने पर भी सरकार ने 15,000 का अनुदान देने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में दुग्ध को बढ़ावा देने की लगातार सरकार प्रयास कर रही है और नंद बाबा डेयरी योजना के माध्यम से ये पूरा अभियान चलाया जाएगा जिसमें जो गौ पालक हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा और एक तरीके से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की कवायद चल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो आवारा जानवर छूट रहे हैं जिनको लेकर सरकार हमेशा सवालों के घेरे में रहती है, लेकिन जो गौ पालक हैं जो बाहरी राज्यों से गाय लाएंगे या फिर स्वदेशी गाय पालेंगे उनको कितना लाभ पहुंचेगा फिलहाल यह आने वाला वक्त ही तय करेगा। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है उसी तरह अब जो है रेलवे की गतिविधियां भी तेजी पकड़ रही है। सांसदों के साथ जो है अभी जीएम ने बैठक की है और इस बैठक में क्या कहा गया है कि सांसद क्या चाहते हैं, उनको ने क्या पब्लिक से वादे किए थे, क्या रह गए हैं। तो जो बैठक हुई है जीएम एनिया सीवी रमन के साथ उसमें जो 7 सांसदों ने हिस्सा लिया और बाकी राजधानी के सांसद राजनाथ सिंह और जो रक्षा मंत्री हैं इनके प्रतिनिधियों ने और गृह राज्य मंत्री के प्रतिनिधि ने और जो है अन्य जो है यूपी के मंत्री उनके प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। तो सभी लोगों ने कहीं जो नई ट्रेनें मांगी हैं, कोई वैष्णो देवी की ट्रेन मांग रहा है तो कोई कह रहा है हमें दिल्ली के लिए ट्रेन चाहिए, कहीं से बॉम्बे के लिए ट्रेन चाहिए। डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने सबसे बड़ी बात ये उन्होंने कहा डुमरियागंज जो है लगातार अछूता है, जो सुविधाएं चालू की गई थी वो अभी पूरी मुकाम पर नहीं पहुंच सकी हैं और सबसे बड़ी चीज श्रावस्ती की नई लाइन बहराई है, श्रावस्ती से खलीलाबाद की भी नई लाइन बननी थी वो नई लाइन अभी तक शुरू नहीं हो सकी है और लोकसभा चुनाव में वादा भी किया गया था कि लाइन बनवाएंगे तो नई लाइन को जल्दी पूरा करने लिए कहा गया। संत कबीर नगर के सांसद ने भी यही कहा कि ये लाइन बननी चाहिए, प्रवीण कुमार निषाद ने भी मांग की और इसके लिए भी श्रावस्ती सांसद ने भी राम सुमन शर्मा ने भी कहा कि गोरखपुर से जो है बंबई की ट्रेन बढ़ाई जानी चाहिए और चेन्नई की ट्रेनें चलाई जाए। बाराबंकी के सांसद जो है लगातार उपेंद्र रावत ने भी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बाराबंकी में जोर दिया है। इस तरह कुल मिलाकर देखा जितने भी सांसद थे सभी ने सुविधाएं मांगी हैं और जो उनके प्रतिनिधि थे वो भी सुविधाएं मांग रहे हैं। अब रेलवे ने अमृत भारत योजना तहत स्टेशनों के विकास के साथ साथ अन्य सुविधाओं को विस्तार करने में जोर दिया है। अब देखना यह है कि रेलवे वादा कब तक पूरा कर पाता है और सांसदों की मांगें कब तक पूरी हो पाती हैं।